जी हाँ दोस्तों, सिमाटिक क्रेडिट पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। रोज की भांति आज भी मैं जो है आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एमपी हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को पूरी क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं और एक सेशन हमारा लगातार चल रहा है और उसमें मैं पर डे जो है वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ। 15 से 20 क्वेश्चन विद डिस्कशन, डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ और आप बिल्कुल अच्छे से समझ भी रहे हैं, आपके जरूर लाभ होगा। तो चलते हैं प्रश्न में। हम तो एक 141 की क्वेश्चन हो चुका था, आज हम जो पढ़ने वाले हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं 142 से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को पहले हम अपडेट कर देते हैं और फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्लास में। तो चलते हैं 142। नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया है? देखिए, नौखंडा महल जो बना है वो किस राजा के द्वारा जो है निर्मित कराया गया है? तो देखिए बेटा, नौखंडा महल की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर है, देखिए, क्या लोकपाल के द्वारा, रामपाल के द्वारा, कीर्तिपाल के द्वारा या दिनेश पाल के द्वारा? तो आप कहेंगे सर ये जो है नौखंडा महल है ये कीर्तिपाल के द्वारा जो है किया गया है। नौखंडा महल मध्य प्रदेश के चंदेरी किले में स्थित है और इस महल का निर्माण कौन कराया था? तो प्रतिहार वंश के राजा हैं कीर्तिपाल। तो प्रतिहार वंश के हैं राजा कौन है भैया? प्रतिहार वंश के राजा हैं कीर्तिपाल, इनके द्वारा जो है नौखंडा महल जो है कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें तो चलते हैं भैया, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण जिसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, महावीर, अशोक। तो आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा बेटा और ये क्वेश्चन कई बार हमने प्रैक्टिस में भी करा दिया है, ये कई बार प्रश्न आए भी हैं प्रैक्टिस में। तो मेरे हिसाब से आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा और आपने बिल्कुल सही जवाब भी देंगे। तो इसका सही आंसर भैया अशोक के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था। देखिए मेरी अगर बात करें तो विश्व धरोहर सूची में एक शामिल मध्य प्रदेश का जो सांची स्तूप है, अपने प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपकरण जो है विख्यात है। अब ये जो है, अब बात आ गया है भैया यूनेस्को ने इसे कब लिया? तो 1989 में जो है, 1989 में जो है यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत में इसे शामिल किया। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के राय किस जिले में आता है? तो रायसेन जिले में स्थित है और ये बौद्ध स्मारक जो है प्रेम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रेम हो गया, शांति हो गई, समझ रहे ना, प्रेम शांति और विश्वास और साहस का प्रतीक है। तो किसका किसका प्रतीक है? एक तो विश्वास का भी प्रतीक है और एक साहस का भी प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है भैया? साहस का, समझ में आ रहा है ना? तो इतनी सारी चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो 144 प्रश्न नंबर में क्या बोल रहा है कि भैया शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? जी हाँ दोस्तों, तो देखिए होशंगाबाद में, मंदसौर में, छिंदवाड़ा में कि अलीराजपुर में? 2017 में पेपर आया था, एपीपीएससी में भी आया था। तो इसका सही आंसर है अलीराजपुर। जी हाँ दोस्तों, अलीराजपुर इसका सही आंसर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा ग्राम में हुआ था और ये हुआ कब था? तो आपको बता दूं, 23 जुलाई, 23 जुलाई दो उन्नीस सॉरी हाँ 1906 में हुआ था। ये कब आयु में? स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शामिल हो गए थे और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिए थे। इनके नाम पर भावरा ग्राम का नाम चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया था, ठीक है ना? तो ये महत्वपूर्ण हो जाता मेरी बस। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो 145 नंबर प्रश्न हम देखें तो क्या कह रहा है कि चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे सर क्या सही है, जयशक्ति सही है, डोंग सही है, नानुक सही है या गोंड सही है? तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर इसको नानुक है। देखिए चंदेल वंश के वंश बुंदेलखंड और उसमें लगे हुए इलाके पर राज करता था। तो ये कहाँ पे है? बुंदेलखंड और उसे लगे हुए इलाके पर राज करता था। ऐतिहासिक देश से नन्नुक जो है चंदेल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, जिसमें 9वीं शताब्दी के आरंभ में जो है इन्हों कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत के रूप में खजुराहो के समीपस्थ, ठीक है, क्षेत्रों पर राज किया था, समझ रहे हैं ना? इसके बाद नानुक का पुत्र एक थे वाकपति। तो याद रखिएगा वाकपति, ये आप लोग पढ़े भी होंगे।
तो वाकपति राजा बना और वाकपति के पुत्र कौन थे? तो आप कहेंगे जय शक्ति। तो वाकपति के पुत्र कौन है? तो जय शक्ति है। और इसके बाद जेजाक या जेजा के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये जय शक्ति को हम जेजाक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और चंदेलों का प्रदेश जयजाक भुक्ति भी इसीलिए कहलाया, फिर इन्हीं के नाम से आपने प्रश्न भी पढ़ा होगा आया है, जयजाक भुक्ति कहलाया। तो आपका प्रश्न ये आ चुका है एग्जाम में और मैंने प्रैक्टिस भी करा दिया है, इस तरह का प्रैक्टिस आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 146। 146 प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सहदेव, राजगुरु। तो देखिए 146 की बात हम करें तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर आजाद। देखिए दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से चंद्रशेखर आजाद का संबंध मध्य प्रदेश से है। आजाद का जन्म उसे भी जानते वाले राजपुर जिले के हुआ था, ये सब मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है 147 है, राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? तो राजा भोज की जो भोजशाला है योगाभ्यास के लिए था कि चिकित्सा के लिए था कि धनुर्विद्या के लिए था कि संस्कृत अध्ययन के लिए था? तो आप क्या कहेंगे सर कि सर ये जो भोजशाला है ये जो है इसका संस्कृत अध्ययन के लिए ज्यादातर महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए मध्य प्रदेश के धार में स्थित है ये भोजशाला, किस जिले में स्थित है? धार में। और धार में स्थित भोजशाला का निर्माण परमार वंश के एक प्रसिद्ध राजा हैं। कौन? परमार वंश के प्रसिद्ध राजा, परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज ने कराया था, जो उस समय संस्कृत अध्ययन का केंद्र था। जो उस समय क्या था? संस्कृत अध्ययन का क्या था? केंद्र था। समझे कि नहीं समझे? वर्तमान में यह विवादित स्थलों में शामिल है, तो ये चीजें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 148 नंबर है, राजा भोज एक क्या थे? राजा भोज एक क्या थे? एक परमार राजा थे क्या? एक चायुक राजा थे, एक चंदेल राजा थे या मुस्लिम राजा थे? तो राजा भोज क्या थे? तो आप कहेंगे सर राजा भोज जो है परमार राजा थे। कौन थे भैया? परमार राजा थे। देखो राजा भोज कौन थे भैया? परमार राजा थे। राजा भोज परमार वंश के प्रसिद्ध और प्रतापी राजा थे। परमार वंश के शासकों ने 9वीं व 10वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र प्रशासन किया और इनकी राजधानी धार थी। परमार वंश का राजा भोज का एक विद्वान था और वो योद्धा था जिसे 1000 से लगभग 1055 ईस्वी तक शासन किया। भोज एक महान निर्माता, विद्यानुरागी तथा विद्वानों का आश्रय दाता था। उसने भोपाल का विशाल तालाब भी उन्होंने ही बनाया था। तो कुल मिलाकर के राजा भोज क्या थे? तो राजा भोज एक तरह से परमार राजा थे। क्लियर है ना? चलिए बढ़िया, ए नंबर इसका सही है। 149 प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो ये प्रश्न उसी तरह से रिपीट हो गया है, तो ये नंबर बुंदेला सही है क्योंकि ओरछा में बुंदेला शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 150 में, तो निम्नलिखित में से राजवंशों में से एक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। इन राजवंशों में कौन ऐसा है जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो देखिए परमार, कालचुरी, कलचुरी कैचुरी नहीं है, चंदेला और प्रतिहार। तो देखिए बेटा इसमें जो मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है तो इन ऑप्शन में देखा जाए तो देखो प्रतिहार राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश स्पष्ट तौर पर नहीं है, जबकि परमार वंश मध्य प्रदेश के मालवा वाला क्षेत्र में था, ठीक है ना। और कलचुरी जो है कलचुरी वंश से ही संबंधित है जो त्रिपुरी वाला क्षेत्र में आता है, त्रिपुरी वाला क्षेत्र में। और चंदेले चंदेला वंश जो जानते हो, चंदेल वंश की बात करें तो वो भी एक चंदेला शासक जो है ना, जानते ही हो। और ये मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में रहा है, ज्यादातर ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र से संबंधित है और तथा इसकी राजधानी खजुराहो रही है। तो अप्रतिहार जो है वो अलग रहा, इसलिए इसमें सही आंसर है प्रतिहार। अगला प्रश्न है, गलत जोड़ी को निशान लगाना है। देखिए नागपुर भोसले
क्या ये सही है? बड़ौदा, गायकवाड़, इंदौर, होलकर, जबलपुर, सिंधिया। ये गलत है, जबलपुर सिंधिया गलत है, बाकी सब सही जा रहा है। देखिए जबलपुर में कलछुरी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 152 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो होलकर एवं सिंधिया के मध्य प्रदेश क्षेत्रों की पहचान क्या है? होलकर एवं सिंधिया के, होलकर ने अपना राज ग्वालियर में तथा सिंधिया ने अपना राज इंदौर में स्थापित किया। होलकर ने अपना राज ग्वालियर में तथा सिंधिया ने अपना राज नागपुर में स्थापित किया। होलकर ने अपने राज इंदौर में, सिंधिया ने अपना राज नागपुर में स्थापित किया। होलकर ने अपने राज इंदौर तथा सिंधिया ने अपना राज ग्वालियर में स्थापित किया। इन ऑप्शन में सही क्या है? तो देखिए बेटा, इन प्रश्नों में अगर हम ध्यान से देखें तो इसका सही आंसर दा नंबर होगा, क्योंकि होलकर ने अपना राज इंदौर में तथा सिंधिया ने अपना राज ग्वालियर में स्थापित किया। समझे कि नहीं समझे? होलकर ने इंद्र, इंद्र ने होल किया, और राज सिंधिया ने सिंध करके ग्वाल लोगों को बना लिया। ठीक है, 153 नंबर देखेंगे। महान योद्धा टाटा टोपे को किसने धोखा दिया था? महान योद्धा टाटा टोपे को किसने धोखा दिया था बताइए? तो आप कहेंगे सर मान सिंह, जीत सिंह, राजा भोज, करण सिंह। तो मान सिंह ने दिया था, ये प्रश्न भी आ चुके हैं। ठीक है, 154 नंबर है। मध्य प्रदेश के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के संबंध में सही कथन कौन सा है? स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कुंवर सिंह चैन सिंह थे, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई मंडल सेना के साथ लड़ी थी, ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल के नवाब अंग्रेज के विरुद्ध 1857 में लड़े थे, उपरोक्त में सभी थे। ये सही आंसर क्या हो सकता है? तो देखो प्रश्न में त्रुटि होने से कोई भी सही उत्तर नहीं चुना जा रहा है, ये जान लीजिए आप, क्योंकि देखिए प्रश्न में मध्य प्रदेश स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के संबंध में सही कथन पूछे गए, चूंकि कथन एक या दो सही है, ठीक है, एक व दो, जबकि तीसरा कथन सही नहीं हो से, क्योंकि संग्राम के पहले शहीद मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ के राज कुंवर थे। ठीक है, इसी तरह मंडला जिले के स्वतंत्र आंदोलन के वीर सेनानियों में से रामगढ़ के रानी अवंती बाई का नाम है विशेष रूप से उल्लेखित है, जबकि 1857 के स्वतंत्र संग्राम के दौरान मध्य प्रदेश ग्वालियर के महाराज सिंधिया और भोपाल के नवाब स्वतंत्र सेनानियों के साथ नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों के साथ दिया था। अतः विकल्प में से बिल्कुल सास गलत है, ठीक है ना, और आप बात बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना? चलिए 155 प्रश्न नंबर है। होलकर राजवंश के विषय में सही क्रम चुनिए। तो देखिए उनकी राजधानी ग्वालियर थी, यह माधवराव होलकर द्वारा बनाई गई, या 1948 में तुकोजी राव होलकर ने अलग देश की मांग की थी। इन ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही है। तो इसमें देखा जाए कि देखिए इसमें भी त्रुटि पूर्व है, क्योंकि होलकर राजवंश की राजधानी ग्वालियर नहीं थी, माधव राज होलकर राजवंश की जो है ग्वालियर थी नहीं, ठीक है, जो बल्कि इंदौर और महेश्वर रही। तो इनके होलकर के क्या थी? इंदौर थी, क्योंकि होल किए थे ना इंद्र भगवान, इंदौर और महेश्वर थी, ये बात सही है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इसके अलावा तुकोजी राव होलकर के नाम से तीन शासक रहे हैं, अतः स्पष्टता अभाव है, समझे बात को, इसलिए थोड़ा ये कभी गलत जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 156। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश संबंधित है? तो इसका सही आंसर परमार है। 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार के पतन के पश्चात क्या हुआ था? कि मालवा में परमार वंश का उदय हुआ। तो ये कहां से उदय हुआ इनका? तो मालवा से परमार वंश के उदय हुआ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ बताइए? परमार वंश का उदय, इस वंश का पहला स्वतंत्र एवं शक्तिमान शासक सीयक या श्री हर्ष था, उसको सीयक बोलते हैं या श्री हर्ष था, ठीक है। सिंधुराज परमार वंश का अगला शासक था, जबकि 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने अजमेर के पास शाकंभरी में चौहान राज की स्थापना की थी, ठीक। तो परमार में मालवा कौन सा कथा राजवंश के संबंधित है? तो परमार मालवा संबंधित है।
157 नंबर है राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से राजा थे? राजा छत्रसाल बताइए। तो आप कहेंगे सर बुंदेलखंड के थे, क्योंकि एक राजा छत्रसाल भारत के मध्ययुग के एक प्रतापी योद्धा थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में के बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन किया था, ठीक है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान कैसे करेंगे आप? तो आप कहेंगे सर इसमें जो है उज्जैन इसका सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिंगलाजगढ़, तो हिंगलाजगढ़ जो है मध्य प्रदेश में मंदसौर में स्थित है, ठीक है। अगला है 160, इस्लामनगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? इस्लामनगर में तो रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था, ठीक है। तो कैसा रहा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज तक यही सेशन कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल फिर मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू।